कलर का अगर फीमेल यूज़ किया हमने जी तो वो तो पर्पल ही आएगा। बिल्कुल, इसलिए हम वाइट जनरली, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं इसको, जनरली हम मास से दिखने वाला कैरेक्टर है। हाँ, तो इसलिए हम जनरली वाइट कलर का रखेंगे जी, और उसका जो बच्चा आएगा पर्पल आना चाहिए जी, क्योंकि पर्पल डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और ये और कहावत चलती है कि माँ तो मतलब पक्की होती है जी, मदर इज सर्टेनिटी एंड फादर इज डाउटफुल जी, हमेशा फादर का ही पैटर्निटी टेस्ट होता है, मदर का नहीं होता है। बिल्कुल सही है। क्यों? अब बच्चा अगर पर्पल आता है, माँ का कलर क्या था? वाइट था जी, सफ़ेद था। बच्चा अगर पर्पल आता है तो इसका मतलब बाप का ही बच्चा है जी, बाप का वो कैरेक्टर लेके आया जो डोमिनेंट था, इसलिए जनरली फिर वाइट को हम जो रिसेसिव होती है कलर तो उसको माँ रखते हैं और उसको जनरली बाप। अगर दोनों समझ लो, हमको फिर भी क्रॉस करना और दोनों पर्पल पर्पल चाहता था कि दोनों अगर पर्पल ही कलर के हैं या दोनों सफ़ेद ही कलर के, फिर क्या होगा? फिर हम दूसरा कैरेक्टर लेते हैं, जैसे नैरो पत्ती होती है, लंबी पत्ती का फालाकार शेप की पत्ती होती है और दूसरे का राउंड शेप होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कोई डोमिनेंट है क्या। और जनरली कई बार इंटरमीडिएट आता है, ना पूरा गोल पत्ता आएगा ना लंबा आएगा, इंटरमीडिएट आएगा, तो उसमें समझ जाते हैं कि ये हाइब्रिड पॉड बन चुका है। तो F1 आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, या तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेस पे, मतलब जो क्रॉसिंग होने के बाद सबसे पहला जो जी, तो या तो उसके आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल आधार पर, और अगर ये नहीं होता है और बहुत ही डाउटफुल है तो हम पैटर्निटी टेस्ट करते हैं, DNA पैटर्निटी। तो जब ऐसी होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सारे सरीके हैं जी, तो हम DNA पैटर्न पे चले जाते हैं, दोनों का क्रॉस करेंगे और DNA पैटर्न उसका देखेंगे जी। नहीं तो अभी यहाँ पे मैं अगर आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि पहली बार क्रॉसिंग किया, हम यहाँ तक पहुँचे कि F1 होगा जिसमें कि मदर के जो है जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, मान लीजिए कि पर्पल रंग का मदर का फूल था, तो वो बच्चे में भी पहला जो F1 में पर्पल कलर कैरेक्टर का ही फूल रंग का फूल आएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये किस्म बनने में कितना टाइम लगता है और उसमें क्या होता है, फ्लावर रंग आखिर तक वही रहेगा? हाँ, उसके बाद में जो स्टैटिस्टिक्स आता है मेंडल जी ने जो मतलब प्रपोज किया कि इसमें जो आगे जो आएंगे F2 में जो आएंगे वो 3:1 रेशो आएंगे, जब अगर वो कोई कैरेक्टर डोमिनेंट होगा तो आगे इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं, फिर फैमिली का सेग्रीगेशन होता, सारे बच्चे आपको हो सकता है माँ बाप के जैसे कम दिखे और इंटरमीडिएट और बहुत सारा अलग अलग टाइप के दिखे, तो उसमें F1 के बाद मतलब जो हाइब्रिड सीड होता है उसके बाद F2 जनरेशन, फिर F3 जनरेशन, ऐसे माना जाता है। इसमें सेग्रीगेशन बदलते रहता है, वो जरूरी नहीं कि वो पर्पल ही रहेगा या सफ़ेद रहेगा, जरूरी नहीं है, सफ़ेद और पर्पल कलर बदलते रहता है, आगे चलते रहता है, कुछ बच्चे सफ़ेद आएंगे वो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार आगे, और जनरली ये माना जाता है जो होमोजीनियसनेस आता है। अब ये हाइब्रिड F1 में आपको 100% हाइब्रिड दिखेंगे, क्योंकि माँ का आधा सारे कैरेक्टर, माँ के आधे जीन लेके आता है, बाप से आधे जीन लेके आते हैं, और ये डिप्लॉइड बोलते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिड हुआ। अब ये हाइब्रिडिटी जैसे जैसे हम आगे जनरेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हाइब्रिडिटी कम होके, इसलिए पहले जनरेशन को हाइब्रिड विगर भी बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, और जो F6 में समझा जाता है, मतलब छठवें जनरेशन में ये समझा जाता है कि अब ये होमोजीनियसनेस, मतलब उस कैरेक्टर का यूनिफॉर्मिटी आ जाती है सिक्स्थ जनरेशन बाद में, छठी जनरेशन के बाद। अदरवाइज ये भी होता है, और छठी जनरेशन के बाद ही हम क्यों मतलब वैरायटी रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है वो करते हैं, वो इसलिए है कि कई बार आपने भी देखा होगा कि माँ बाप को तो 11 उंगली रहती नहीं है, बिल्कुल, और बच्चे को 11वीं उंगली आ जाती है कई बार देखा जाता है। तो अब आदमी सोचता है कि मतलब ये ना बाप में 11 उंगली थी ना मदर में 11, ये कहाँ से आ गए? तो वो आपको पता नहीं, छठवें जनरेशन की पहले की कैरेक्टर जो मतलब जो था कभी आपके पेडिग्री में था अब आया जी। तो कई बार ऐसे होता है, तो ये सारी आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे DNA में ये चीज़ें छुपी रहती है जो छठवें, और छठवें के बाद जो यूनिफॉर्मिटी आती है, फिर हम क्योंकि वो सेग्रीगेट नहीं होगा,
वो यूनिफॉर्म रहेगा, इसलिए हम उसको फिर एज ए वैरायटी रिलीज होने के लिए जिसको हम प्रपोज करते हैं।